नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। दोस्तों, और सामने आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुले दाउदिया कस्थमेसिसियम, और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं कि पॉट में आप इन्हें कैसे इतना अच्छा कर सकते हैं, गुलेदाउदी को आप पॉट में, आप ये देखिए ये पॉट में ही लगे हुए हैं और आप इसकी फ्लावरिंग देखिए, फिदा हो जाएंगे आप इस पर। मुझे इसकी शाखाएं बांधनी पड़ी हैं वरना ये टूट जाता पौधा। मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा फ्लावर्स होंगे इस पर। तो आज मैं आपको इस प्लांट की केयर करना बताऊँगा, मैंने इसकी सॉइल कैसे तैयार की। दूसरा प्रश्न था कि हम नर्सरी से जब पौधे लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन जब हम प्लांट अपने घर पर लगा लेते हैं तो फिर वो उतने अच्छे नहीं होते। तो मैंने सोचा जवाब आपको ना देकर मैं आपको उसका तरीका ही बता दूं, तो चलिए। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि ईश्वर लकीरें देता है, रंग खुद भरना होता है। ईश्वर ने हमें अवसर समान दिए हैं, आपको उन अवसरों को अपने आप अपने सक्सेस में बदलना होगा दोस्तों, तरक्की में बदलना होगा। तो चलिए मैं आज आपको कुछ केयर टिप्स दे रहा हूँ गुलेदाउदी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो मैं आपको बताऊँ, जो क्रस्थमेसियस है, अगर आप बड़े फ्लावर चाहते हैं तो हर साल इसकी नई कटिंग लगाएं, या जो इसकी पुरानी कटिंग है उन्हें आप काटते रहें, पहला नियम। दूसरी बात, अगर हम नर्सरी से पौधे ला रहे हैं तो वही मैं जवाब आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप नर्सरी से पौधे लाए हैं, वो चाहे किसी का पौधा हो, सीजनवल हो या फिर लाइफ टाइम हो, आप अपने जब उसे लेकर आएँ तो उसका पॉट जरूर चेंज करें। नर्सरी के जो पॉट होते हैं अक्सर दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नर्सरी से जो पॉट आते हैं उन पर ये काई लग जाती है और हवा का आवागमन जो पॉट का है वो ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी नर्सरी से आप पौधे लाएं तो आप अपने जो गमले हैं उन्हें देख कर लाएँ, वो सही क्वालिटी के होने चाहिए। अगर वो सही नहीं है, अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए, एक ऐसा 10 रुपये का ये लोहे का ब्रश लीजिए और ऐसे इसकी जो मिट्टी है उसे साफ कर दीजिए। यह इसका एक छोटा सा उपाय है, आपके गमले में एयर आसानी से आसपास होनी चाहिए। पौधे के विकास के लिए हवा का संचरण और पानी का निकास दोनों बहुत ज़रूरी है। ये तो मिट्टी के पॉट के लिए हो गए, और नर्सरी वाले ज़्यादातर आपको मिट्टी के पॉट ही वो देते हैं, ये पहला सिद्धांत है। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक पॉट में प्लांट लगाया हुआ है तो उसके नीचे ध्यान रखिए, ये होल बंद नहीं होने चाहिए। अगर आपका पौधा कमज़ोर हो रहा है, हम उसे नर्सरी की भाषा में पौधा बैठना बोलते हैं, प्लांट बैठ रहा है आपका, तो इसका एक ही कारण है कि मिट्टी में से पानी का जो संचरण है वो सही नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि नर्सरी से जब वो पौधे लाए थे तो वो बहुत अच्छे थे, अब ख़राब हैं, तो वो ध्यान रखें, वो कितनी भी खाद दें, कितना भी वाटरिंग करें, अगर उनके जो जो गमला है उसका पानी, जो ड्रेनिंग सिस्टम है, ख़राब है, तो वो पौधा बढ़िया नहीं होगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है उसकी सॉइल। सॉइल लगभग 3 से 4 महीने बाद हमें चेंज करते रहना चाहिए। सॉइल कितनी चेंज करनी चाहिए, पूरी 100%, 50%, 30%, ये आप अपनी मिट्टी को देखिए, आपके गमले की मिट्टी कैसी है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो पूरी तरह सॉइल जो आपकी हो वो नई लें। नई लेने का मतलब ये है कि उसमें गोबर खाद मिला दें, कंपोस्ट मिला दें, या आप रासायनिक खादों का थोड़ा बहुत बहुत कम, केवल DAP बहुत कम मात्रा में आप मिला सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, ध्यान रखिए आपका जो पॉट है ड्रेनिंग व्यवस्था सही हो और सॉइल चेंज हो जानी चाहिए।
अब अच्छे फूल आने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है वो मैं अपने पॉट की बता रहा हूँ। आप जैसे ही नर्सरी से पौधा लेके आए, अपने यहाँ की कुछ मिट्टी अपने प्लांट में ज़रूर डाल दें, अपने गार्डन की, अपने बगीचे की, या अपने दूसरे गमलों में से हल्की मिट्टी निकाल कर आप उस प्लांट में डाल दें, जिससे आपका जो प्लांट नया प्लांट आया है, आपके जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको थोड़ा सहज अपना बैठाने का काम करेगा। तो मैं अपने यहाँ की पीली मिट्टी डालता हूँ। उसके अलावा आप गमले में ये बर्मी कंपोस्ट है और 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए राख। जी हाँ दोस्तों, राख का प्रयोग बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। राख आपके यहाँ लकड़ी जलती हो, उपले जलते हो, ये राख आप अगर नीम जलाकर बनाए तो और ज़्यादा बेहतर है। राख से क्या होता है कि जैसे ही आप छिड़काव करते हैं, जैसे ये देखिए, तो जो कीड़े होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं इससे। इसके अलावा ये गोबर का भी काम करती है, कार्बनिक होती है, तो कार्बन जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है उसका ये अच्छा स्रोत है। आपके फ्लावर प्लांट पर जैसे कीड़े लगे हुए हैं, जैसे ये है कैलेंडुला, तो सुबह जब ओस इस पर पड़ी हो उस समय इसका हल्का हल्का ऐसे आप छिड़काव कर दीजिए, ये देखिए, तो आपके पत्तों पर एक लेयर बन जाएगी और जो आपके कीड़े हैं वो मर जाएंगे और दोबारा नहीं लगेंगे। ये आप करते रहें। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिस्थेमेसियस गुलदाउदी को बढ़िया कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर इतने सारे फ्लावर्स चाहते हैं अपने प्लांट पर, तो ये इतने सारे फ्लावर आपको लगभग एक वर्ष बाद जो नए पौधे आप लगाएंगे उस पर नहीं मिलेंगे। एक वर्ष पुराना पौधा होना चाहिए कम से कम। और उसके लिए आप क्या करें कि आप अपने प्लांट को अपने गमले में लगाएं, ये देखिए मैंने लगाया हुआ है, और जो पुरानी ब्रांचेज हो जाती हैं उन्हें ऐसे काट दें। नई जो ब्रांच, जैसे अब ये निकल रही हैं आप ये देखिए, और ये फ्लावरिंग हो जाएगी, मैं इन्हें यहाँ से ऐसे काट दूंगा और ये नई ब्रांच निकलेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और इन पर बहुत ज़्यादा अच्छे फूल और फ्लावर आएंगे। सॉइल का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल काली मिट्टी हुई है, और ये मैंने इसमें लगभग 6 महीने से मैं लगातार चाय की पत्तियाँ डलवा रहा हूँ या डाल रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्लावर वाले जो पौधे हैं, गुलाब हो, गुलदाउदी हो, क्रिस्थेमेसियस, कैरंडोला, किसी भी कलर का, या हिबिस्कस, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जैसे चाय है, राख है, गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग कीजिए। तो ऐसे रंग बिरंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये मैंने घर पर ही उगाए हैं, मैं नर्सरी से नहीं लाया इन्हें। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको कुछ केयर टिप्स बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और कुछ और क्वेरी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा क्या हम क्रिस्थेमेसियस को सीड से उगा सकते हैं दोस्त, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक नहीं सुना, नहीं कभी किया है कि हम क्रिस्थेमेसियस को सीड से उगा रहे हों। इन्हें ज़्यादातर कटिंग से ही उगाया जाता है। मैंने कई बार इनके जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें तोड़कर भी देखा क्या उनमें सीड निकलते हैं, और जो सीड निकलते हैं वो मैंने उगा कर भी देखे, लेकिन कभी भी मैं उन्हें ग्रो नहीं कर पाया। तो मेरा आइडिया है और ये मेरा अनुभव भी है कि आप क्रिस्थेमेसियस को केवल कटिंग से उगा सकते हैं, और कटिंग से जब आप एक के बाद एक कटिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट होती चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो प्रश्न थे आपके और जो समस्याएं थी या शंका थी वो आपके मन से निकल गई होगी। तो ध्यान रखिए, नर्सरी से आप जब भी पौधे लाएं पॉट का सही चयन करें। पॉट अगर ख़राब है तो उसे अपने बोर्ड से साफ़ कर दें। वाटरिंग, ड्रेनिंग और वायु संचरण उसका सही होना चाहिए। दूसरी बात, लाते ही अपने एटमॉस्फेयर की मिट्टी का उसमें थोड़ा सा भराव कर दें, जिससे पौधा आपके वातावरण में ढलने की कोशिश करे। वाटरिंग सही समय पर करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, तेज़ धूप पड़ रही है, पानी डाल दिया, बिल्कुल पौधा ख़राब हो जाएगा। जहाँ तक हो शाम को वाटरिंग करें। बरसात के समय पौधे का ज़्यादा ख्याल रखें। बरसात के समय
उसकी जो रूट्स हैं वो खुल जाती हैं, और जब रूट खुल जाती हैं तो पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं और भी आपके लिए उपयोगी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। फिर भी आपकी कोई समस्या या समाधान नहीं हुआ है, क्वेरी है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। आपके विचारों को मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक्स।